क्या चल रहा है फ्रूट का रेट? फ्रूट का रेट तो बहुत हाई चल रहा है। तुर्की का सेब इम्पोर्टेड सेब 600 रुपए किलो चल रहा है। वाइट गर्मा ये 180 चल रहा है, 150 रुपए का भी दे रहे थे। सर लिस्ट आती भी होगी, लगाते भी नहीं है, और जब महीना जाएगा तो लिस्ट नहीं लगेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरा इलगिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर आपको बताया था कि रमज़ान से पहले फ्रूट के क्या रेट थे। आज हम जाएंगे और देखेंगे कि रमज़ान में अब फ्रूट के क्या रेट हो चुके हैं। आ जाएं। ग्राम साहब, क्या चल रहा है फ्रूट का रेट, क्या चल रहा है सर? फ्रूट का रेट तो बहुत हाई चल रहा है। हाई चल रहा है जी? हाँ, हाई हो गया। हो गया बिल्कुल। अच्छा, ये जो सेब है वो जो सामने पड़े हुए, ये क्या हिसाब चल रहे हैं इस वक्त? सर ये तुर्की का सेब इम्पोर्टेड सेब है, 600 रुपए किलो चल रहा है। 600 रुपए चल रहा है जी? हाँ। और जो आम सेब है वो कितना चल रहा है? आम सेब तो हमारा सीजन नहीं है, आ नहीं रहे, लिहाजा वो सेब है वो ईरानी है, वो 300 रुपए किलो चल रहे हैं। 300 रुपए? 300, 350 रुपए रेट चल रहा है। अच्छा, और ये जो सबसे ज़्यादा जो ये होता है, जैसे तरबूज है, तरबूज बिकता है और खरबूजा बिकता है, इनके रेट बताएं सर। असल में जो है ना, अभी सीज़न जो है ना तरबूज गर्मा खरबूजे के, तो तरबूज आजकल मंडी में शार्ट है, ये भी महंगा हो गया। क्या हिसाब चल रहा है? तो तरबूज तो आज तक तो हम 100 रुपए किलो बेच रहे, इसके बाद और मज़ीद महंगा हो रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? हाँ, नहीं और महंगा। आज आज आप देखो, ये तरबूज पड़ो आज मंडी में मिले नहीं, मंडी में 100 रुपए किलो था, आज हमने उठाया नहीं, नहीं लाया। लाए नहीं, कल का ही है? कल का ही। अच्छा, ये जो है 100 रुपए मंडी में हो गया है तरबूज, तो और महंगा होगा। खरबूजा क्या चल रहा है साहब? खरबूजा 100 रुपए किलो चल रहा है। खरबूजा भी 100 रुपए और तरबूज भी 100 रुपए। ये अच्छा वाला खरबूजा? अच्छा वाला, वीआईपी, वीआईपी खरबूजा। और ये लंबे वाले चीकू क्या हिसाब चल रहा है? ये 250 का चल रहा है। 250 रुपए किलो? 250। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये जो है लंबे वाले चीकू, ये तकरीबन 250 रुपए किलो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये सारे गर्मा क्या हिसाब है? गर्मा ये है, ये वाइट गर्मा है, ये 180 चल रहा है, 150 रुपए का भी दे रहे थे। ये वाला चल रहा है, ये 150 चल रहा है, 120 चल रहा है ये वाला। अच्छा जी, ये वाला जो है, ये वाला गर्मा जो है 120 से 150 रुपए किलो है ना। और उसी के साथ अगर ये सफ़ेद गर्मा देखें हम, तो ये 150 से 180 रुपए किलो के दरमियान बिक रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आइटम है वो है खरबूजा। खरबूजा बहुत ज़्यादा बिकता है, तो खरबूजा और तरबूज इन दोनों का रेट जो है इस वक्त 100 रुपए किलो मार्केट में चल रहा है। अच्छा, और रमज़ान में क्या चीज़ ज़्यादा जाती है? केले जाते हैं? केले ज़्यादा चल रहे हैं। केले जो है ना, इसका रेट भी हाई है। बड़ा केला वीआईपी केला 200 रुपए दर्जन चल रहा है, और जो आम नॉर्मल केला होते हैं तो 100 से लेकर 150 रुपए तक चल रहा है। अच्छा जी, केले की बात कर लें तो जो अच्छा वाला केला है, बड़ा केला, वो तकरीबन 200 रुपए किलो चल रहा है। अगर यहाँ पर दिखा सकें हम, ये जो अच्छे वाले केले हैं ये इस वक्त 200 रुपए दर्जन इस वक्त इनका रेट चल रहा है, और जो नॉर्मल छोटे केले हैं उनका रेट जो है तकरीबन 150 रुपए दर्जन चल रहा है। तो काफ़ी महंगे मुझे लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा हो गया इस वक्त रेट रमज़ानों में फ्रूट का। पपीता क्या है साहब? 200 रुपए किलो सर। सबसे वीआईपी वाला? सबसे वीआईपी, सबसे वीआईपी वाला पपीता इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसकी कीमत जो है वो 200 रुपए किलो चल रही है। तो फ्रूट जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं इनके प्राइस जो पहले थे रमज़ान से पहले, और रमज़ान में अब तकरीबन फ्रूट के प्राइस होती है। जब ये फ्रूट ज़्यादा आते हैं ना तो इसके रेट कम हो जाते हैं। पिछले रमज़ान में ये अमरूद 400 रुपए किलो था। अच्छा, सही है। इस रमज़ान में ये 250 रुपए किलो, क्योंकि इस रमज़ान में अमरूद का सीज़न है। तो ये पिछले रमज़ान में नहीं था, तो जितना ज़्यादा आता है उतना इसका रेट गिर जाता है, जितना कम आता है उतना रेट ऊपर चला जाता है। यार ये केले का तो सीज़न रहता है 24 महीने, कम हो जाता है ना, कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। शॉर्ट कैसे हो जाता है जब सीज़न चल रहा है? तो पैदावार कम हो जाती है ना। मुझे बताएं, फ्रूट आपको क्या सस्ता लग रहा है, महंगा लग रहा है? फ्रूट महंगे होते हैं, फ्रूट की लिस्टें लगी होनी चाहिए उसूली तौर पे पूछने से, तो सर नज़र नहीं आती। हाँ, तो वो लगवाया करें ना आप लोग, अगर मीडिया से हैं तो यहाँ पे तो ये बोल देंगे 200 रुपए का बेच रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो 400 रुपए की चीज़ हो जाती है। अभी या तो लिस्टें लगनी चाहिए। अभी आप क्या खरीदना है? मैं सर अमरूद और केले ले रहा हूँ फ्रूट चाट के लिए। फ्रूट चाट के लिए जी? केले क्या हिसाब इसने बताया? अभी बताए नहीं है, बताएंगे। बताए नहीं है, डायरेक्ट केले बेच दिए? मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी महंगी होती हैं चीज़ें। महंगी होती है बिल्कुल। इन्होंने मुझे बताया कि 200 रुपए केला चल रहा है। हाँ बिल्कुल, 200 रुपए केला है। 200 रुपए चल रहा है? जी जी बिल्कुल, कह रहे हैं जी बिल्कुल 200 रुपए केला। लेकिन महंगा है मेरा ख्याल चाहिए सर। देखिए महंगा है, क्यों नहीं महंगा, सिंपल चीज़ है कि लिस्टें लगी होनी चाहिए प्राइस की, उससे एक रुपया कोई ऊपर ना दे। अच्छा, ये कहते हैं जो लिस्टें होती हैं ना, वो जो लिस्टों में जो होते हैं पैसे लिखे हुए, वो सबसे थके हुए माल के, मतलब बिल्कुल सी ग्रेड माल के। गलत, ये गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लिस्टों में सब लिखा हुआ होता है कि
लिस्ट वही लगे ना जो इनके पास माल आता है, सिंपल सी बात है। पता नहीं लिस्ट आती भी है इनके पास की। सर लिस्ट तो आती है, लगाते नहीं। सर लिस्ट आती भी होगी, लगाते भी नहीं है, और जब महीना जाएगा तो लिस्ट नहीं लगेंगी। फ्रूट रेट क्या चल रहा है? सेब सबसे पहले तो तुर्किश वाला जो है इस वक्त, वो क्या चल रहा है? सेब अपना जो बाहर का, ज़्यादातर बाहर के सेब आ रहे हैं आजकल। तुर्की वाला जो है 600-550 रुपये चल रहा है, और अमेरिकन जो है वो 700 रुपये किलो है। 700 रुपये किलो। ईरानी 400 रुपये किलो है। अपना कुल्लू पाकिस्तानी जो है वो 200 रुपये किलो है। अच्छा, वो है कुल्लू का पीले वाला सेब जो है, ये कुल्लू है, ये अमरी है, ये भी पाकिस्तानी है, 300 रुपये किलो है। अच्छा, ये दोनों जो है चाट के बेहतरीन एप्पल हैं, बेहतरीन इसका जायका है, चाट में मज़ा करते हैं, थोड़े क्रिंच होते हैं, और खाने में इसके जायका थोड़ा है, हल्का सा तुर्श होता है। अच्छा, और ये केले क्या हिसाब चल रहे हैं? केले 150 रुपये दर्जन चल रहे हैं। 150 रुपये जी, 150 रुपये। डिफरेंट रेट होते हैं, कोई 200 दे रहा है, कोई साइज, केले का साइज़ का फ़र्क होता है। अगर किसी के पास बड़े केले हैं तो वो 200 देगा, अगर छोटे हैं तो 150 देगा। तो मतलब 150 से 200 के दरमियान, 150 और 200 के दरमियान है केले। जो अच्छे बड़े केले हैं वो 200 रुपये हैं, जो दरमियाने हैं वो 150 रुपये हैं। अच्छा, ये अभी रमज़ानों में लोग ज़्यादा, मेरा ख्याल है, तरबूज खरबूजा केले से चाट फ्रूट वाले आइटम खरीदते हैं, तो तरबूज और खरबूजा क्या चल रहा है? खरबूजा जो है 100 रुपये किलो चल रहा है, तरबूज जो है वो 80-70 रुपये इस तरह चल रहा है। हाँ जी, हाँ, जैसी चीज़ें वैसे रेट हैं। अब ये माशाल्लाह ये खरबूजा लगा हुआ है, 100 रुपये किलो है, ये तरबूज 80 रुपये किलो है। अच्छा, ये वाला खरबूजा अगर हम दिखा सकें तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, खूबसूरत। और ये 100 रुपये किलो इस वक्त मार्केट में खरबूजा अवेलेबल है। उसी के साथ ऊपर हम दिखा सकें ये वाटरमेलन, जिसे हम तरबूज कहते हैं, लाल वाला, ये 70-80 रुपये मिल रहा है। लेकिन डिफरेंट दुकानों पे डिफरेंट रेट हैं, कहीं पे 100 रुपये मिल रहा है, कहीं पे 70, कहीं पे 80, तो 70-100 के बीच में ये आपको मिल जाता है। पपीता जो है मार्केट में क्या रेट चल रहा है? पपीता सर 150 रुपये भी चल रहा है, 200 रुपये भी चल रहा है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, ये अपना देसी पपीता है, माशाल्लाह बिल्कुल खाने में VIP होगा ये, और इसमें हाईब्रिड भी आ रहा है, वो 150 रुपये किलो चल रहा है। ये मेरा, और ये अमरूद जो है गोल, अमरूद 250 रुपये किलो हैं, ये मलीर के ताज़े अमरूद हैं, 250 रुपये किलो। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारा अमरूद है ये। इस दफ़ा माशाल्लाह रमज़ान में इतना अच्छा अमरूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है, करम नवाजी है हम पर, वरना अमरूद रमज़ान में बहुत मुश्किल होता है, 400 रुपये किलो तक गिरा होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है आसानी से मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, किन्नू जो है ये तो मेरे ख्याल स्टोर के हैं सारे? हाँ, किन्नू वगैरह स्टोर का आ रहा है। तो ये क्या हिसाब है किन्नू? किन्नू ये 300 रुपये दर्जन है। 300 रुपये दर्जन, स्टोर के भी सस्ते हैं मेरे। हाँ, ये इतना चलत नहीं है इसकी, तो ये है कि चाट में डालने के लिए ऊपर से एक दो दाने ले लिए बस। ये चीकू क्या हिसाब चल रहा है? चीकू 200 रुपये किलो चल रहे हैं। चीकू 200 रुपये जी, 200 रुपये किलो चीकू इस वक्त जो है मार्केट में 200 रुपये किलो। मैं 200 से 150 वाले चीकू भी हैं, बड़े वाले 250 वाले चीकू हैं, 250 रुपये किलो अंदर रखे हुए हैं। बस जिस तरह का माल होता है सर, उस तरह रेट होते हैं। अब ये 200 रुपये जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये काले पीले अंगूर ये 200 रुपये पाव हैं, 800 रुपये किलो हैं। 800 रुपये किलो, ये बाहर का आइटम है सर, ये अपने पाकिस्तानी नहीं है, बाहर के हैं। कहाँ के हैं ये? ग्रीन वाले जो है इंडिया के हैं, जो ब्लैक वाले हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं। साउथ अफ्रीका और के ब्लैक वाले हैं, और ये तकरीबन 750 रुपये किलो है। नहीं, 800 रुपये किलो हैं। 800 रुपये पाव जी, 800 रुपये किलो, 200 रुपये पाव बिकते हैं ये? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिकते हैं। चाट में डालने के लिए लोग एक पाव आधा किलो ले जाते हैं। चाट जो बनाते हैं वो ज़रूर लेते हैं, थोड़े बहुत अंगूर ले लेते हैं साथ में। फ्रूट जो है इस वक्त यहाँ पे बेहतरीन आपको नज़र आ रहा है, ये सारा वो फ्रूट है जो कि बिल्कुल A1 क्वालिटी का है, और इसके प्राइस मैंने आपको सारे बता दिए। और उम्मीद करते हैं कि आप जब फ्रूट लेने जाएंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो ही जाएगा कि इस वक्त फ्रूट कितना महंगा है, या कितना सस्ता है, या क्या रेट चल रहे हैं। तो रमज़ानों में हमने कोशिश की कि रमज़ान में जो रेट है वो फ्रूट का क्या चल रहा है, और रमज़ान से पहले फ्रूट के रेट जो थे वो क्या थे। जो लिस्ट आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहाँ पर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप कहीं भी चले जाएँ फ्रूट लेने, वहाँ पर नहीं लगी होती। और उनका कहना ये होता है कि भाई जो रेट लिस्ट होती है वो बिल्कुल ही ये कह लें कि बिल्कुल सी क्लास माल, जैसे A1 होता है, A+ होता है, इस तरह मतलब A1 माल होता है, उसी तरह जो सी बिल्कुल थका हुआ फ्रूट होता है, या बिल्कुल जो आप कह लें कि क्वालिटी बेकार क्वालिटी का फ्रूट होता है, उसके रेट होते हैं, और वो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मंडी में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।